हाय फ्रेंड, मैं हूँ अमजद और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निकल। आज मैं बताऊंगा कि एक वीपीएल पुली आप कैसे 3D ड्राइंग कर सकते हैं ऑनसेप ऐप में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। जो पुली आप मोटर या मशीन में लगाते हैं, सेम उसी पुली का डिज़ाइन मैं इस ऑनसेप ऐप में ड्राइंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए ऑनसेप को ऑन करते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब ऊपर जो देख रहे हैं माय ऑनसेप, मैं पार्ट वन और पार्ट टू में बता चुका हूँ कि इसमें आपका जो भी ड्राइंग करते हैं वो अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो प्लस का आइकन को क्लिक करते हैं, ये जो क्रिएट डॉक्यूमेंट है इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ वीपीएल पुली लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये इंटरफेस आएगा ड्राइंग करने का, ठीक है। तो ड्राइंग कैसे करना है वो मैं सारा चीज़ एक एक करके बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि ड्राइंग कैसे होता है, ठीक है। तो पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो भी आप देख लें, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, जो ऑन सेप में बनाया गया ड्राइंग सारा चीज़ वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए 3D ड्राइंग करने का स्पेस राइट फ्रंट टॉप ये है, ये मैं बता चुका हूँ। अब मैं राइट को ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो राइट वाला स्क्वायर है, ठीक है, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। पहले आप उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर पेन का आइकन है, ये मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है तो उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो सारे टूल्स है, इस टूल से ड्राइंग किया जाता है, ठीक है। धीरे धीरे मैं सारा टूल्स के बारे में बता दूंगा, वो भी ड्राइंग करते करते, ठीक है। तो चलिए, ये जो कोना में पेन का जो आइकन है इसको क्लिक करते हैं। चलिए क्लिक कर दिए। और इसके बगल में डॉट का आइकन है, ठीक है, तो इसको भी क्लिक करना है। चलिए इसको भी क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद ऊपर कहीं पर भी पॉइंट रखें और एक नीचे रखें, ठीक है। ये डॉट लाइन तैयार है बनके, ठीक है। अब इसको ऑफ करना है, डॉटेड लाइन और पेन को ऑफ करना है। ऑफ कर दिए, ठीक है। फिर पेन को ऑन करना है, ठीक है। ये जो सिंगल लाइन है इसको ऑन करना है, ठीक है। अब ये जो राइट का है, राइट का जो, ठीक है, मिडिल पॉइंट पे क्लिक करना है। अब इसके बाएं ओर खींचना है, ये बिल्कुल डॉट लाइन नहीं है, ये सिंगल लाइन है, ठीक है। इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन खींचना है, दोनों को ऑन करना है। ऊपर देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ डॉटेड लाइन कहीं पर भी लगाइए आप। यहाँ आपको इस डॉटेड लाइन से डिस्टेंस मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। फिर ऊपर वाला डॉटेड लाइन और सिंगल लाइन को ऑफ करना है, ठीक है। अब आपको फिर पेन का आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर सिंगल लाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मैं ड्राइंग बनाऊंगा, हाफ ड्राइंग बनाऊंगा, बिल्कुल आपको बता दिए हैं पहले भी, ठीक है। तो चलिए हाफ ड्राइंग बनाते हैं। तो हाफ ड्राइंग करने के लिए आपको लाइन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं लाइन बना लेता हूँ।
ठीक है। ये बिल्कुल वी बेल्ट पुली का जो हाफ ड्राइंग है, मैं हाफ ही ड्राइंग करूँगा, ठीक है। सॉरी, ये राइट कर लेता हूँ, ठीक। ये पॉइंट से आपको लाइन खींचना है, ठीक है। बिल्कुल हाफ ड्राइंग करूँगा मैं, आपको भी इसी तरह से लाइन खींचना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपका पुली बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं बिल्कुल पुली का ही सेप दूंगा, पॉइंट पे डालना है, ठीक है। यहाँ से आपको लेना है ताकि सीधी लाइन हो सके, ठीक है। अब ये बिल्कुल हाफ शेप में बन के तैयार है, ठीक है। तो इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आप सीधा ये टूल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो टूल्स है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद पहले आप जो हाफ से पुली बनाए हैं उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करें। ये देखिए यहाँ पर आपका आ गया है, यहाँ पर रिवॉल्व एक्सिस लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो डॉटेड लाइन है सामने वाला, इसको क्लिक करें। ये वी बेल्ट पुली का सेप ले चुका है, ठीक है। इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद ये देखिए वी बेल्ट पुली का सेप ले लिया है, ठीक है। ठीक, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका इसमें जो की लगता है अंदर में, जिसे हम चाबी भी कहते हैं, कहीं भी मोटर या मशीन में लगाते हैं तो उसको लॉक करने के लिए वो की साइज बनाया जाता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ की साइज कहाँ से होगा। तो पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जो मैं पुली का सेप लिया हूँ, वी बेल्ट पुली, वो राइट सेप में लिया हूँ। तो चलिए फिर से मैं उसको राइट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये है राइट, ठीक है। अब हमको की का जो की लगता है उसमें सिक्की का साइज़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉप ले लेता हूँ जो कि बिल्कुल पीछे की ओर मूव हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ हमको की बनाना है। की बनाने के लिए जो अंदर वाला सर्कल है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये सॉरी, ये सर्कल नहीं, ये एक मिनट, ये पूरा सर्कल, ये देखिए इस जगह क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये जो पेन वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आइकन है ऊपर वाला, इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लाना है बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। अब इसको फिर से उंगली से टच करना है। ये की का साइज बन चुका है। अब
आपको इस वाला आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिए, अब सॉरी इस पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल करें, यहाँ न्यू ऐड रिमूव इंटरसेक्ट लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये रिमूव पे आपको क्लिक करना है और नीचे जो है यहाँ पर देखिए डेप्थ जो लिखा हुआ है 1.0 इंच लिखा हुआ है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वी बिल्ड पुली का इस पार से उस पार तक की साइज बन के रेडी हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं दे देता हूँ 8 इंच, क्लियर, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वी बिल्ड पुली का जो की साइज है, ठीक है, दोनों तरफ बिल्कुल आर पार हो चुका है, ठीक है। ये पुली आप बन के आप रेडी है, ठीक है। तो अब ये जो है ये चीज़ ये राइट फ्रंट टॉप जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हटाने के लिए मैं और दो वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको इस आइकन को क्लिक करना है, ठीक है। तो इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद नीचे ये जो पार्ट 1 लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ये ऑलरेडी सबसे नीचे में है, इसमें जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप एफ्रीलांस में क्लिक करें, ठीक है। तो चलिए आप इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कलर चेंज करने के लिए है, ठीक। अब आपको जो भी कलर रखना है आप रख सकते हैं। तो चलिए इसी कलर पे ओके कर देते हैं, ओके कर दिए। और ये जो राइट फ्रंट टॉप व्यू है इसको भी यहाँ से हटाना है, तो चलिए इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ये जो आई जैसा आइकन दिखाई दे रहा है आपका राइट में, फ्रंट में, टॉप में, ठीक है, और एक पॉइंट के लिए है जो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए उस पर क्लिक करें। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब रिमूव कैसे होता है, ठीक है। तो पहले मैंने राइट को किया, ये देखिए फ्रंट टॉप, और ये जो पॉइंट है इसको रिमूव करने के लिए आपको सबसे ऊपर का आइकॉन है ये है, इसको क्लिक करना है रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको रिमूव कर दें, ठीक है। अब आपका ये भी वेल पुली बन के रेडी है, ठीक है। तो इसी तरह आप ड्राइंग कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स बना सकते हैं।